गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर कर रहे थे विटामिंस। विटामिंस में सबसे पहले मैंने आपको पहले विटामिन डिस्कस किए थे, फैट सॉल्युबल, और डिस्कस विद दीज बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस, जिसमें हमारे पास आता है राइकोफ्लेविन इज विटामिन B2। आई सजेस्ट यू आप अपनी बुक्स भी साइड साइड पर देखते रहो, बिकॉज उसमें डिटेल भी दिया हुआ है, मैं सब कुछ यहाँ पर नहीं लिख सकती, मैंने इसके स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। सो राइकोफ्लेविन आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, साथ साथ में सोर्सेज हैं मिल्क, लिवर, किडनी, हार्ट, फिश, सीरियल्स एंड जर्मिनेटिंग वीट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ दिस रिंग, दैट इज ये राइकोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास कंपाउंड इसमें होते हैं डी रैपिटॉल एंड राइबोस एल्कोहल एंड दिस पिटीरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हमारी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि ये वाटर सॉल्युबल होता है एंड इट इज स्टेबल टू हीट बट सेंसिटिव टू लाइट, एंड इट ऑल्सो एमिट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है कि जो राइबोफ्लेविन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है FMN एंड FAD में बाय एंजाइम फ्लेवोकाइनेज। नेक्स्ट इसकी डेली रिक्वायरमेंट आप अपनी बुक में देख सकते हो कि मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट है। साइकोलॉजिकल और मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है, कि इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स कनेक्टेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, एंड इट इज ऑल्सो फ्री राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ द आईज, हमारे आईज में प्रेजेंट होता है, एंड हेल्प्स इन स्टिमुलेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे सेल, जो हमारी बॉडी बनी है सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एनर्जी जनरेट करता है। सो इट हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म एज एन एंजाइम कॉल्ड फ्लेवोप्रोटीन्स। अब इसकी डेफिशिएंसीज है क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में डेफिशिएंट है तो इट लीड्स टू लेसन्स ऑफ द लिप्स। लेसन्स ऑफ द लिप्स से क्या मतलब है, कि लिप्स में छाले हो जाते हैं। डर्मेटाइटिस ऑफ द फेस, डर्मेटाइटिस ऑफ द फेस से क्या मतलब है, कि फेस की स्वेलिंग हो जाती है, एंड इज ऑल्सो इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स ऑफ द आईज। नेक्स्ट विटामिन वी हैव दैट इज नायासिन, नायासिनामाइड और निकोटिनिक एसिड, दैट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B5। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मैंने कहा निकोटिनिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ एच बनाया है तो ये एसिड है, निकोटिनामाइड में CONH2 बनाया है तो ये अमाइड, तभी इसमें लिखा गया है। अब ये इसके सोर्सेस क्या हैं, राइस, यीस्ट, मीट, लिवर, एग्स, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, रेजिस्टेंस टू हीट, लाइट, ऑक्सीडेशन, एंड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू पोर्टल वे। डेली रिक्वायरमेंट इन मेल्स इज 16 to 20 mg एंड इन फीमेल्स इज 12 to 16 mg। अब इसके फंक्शंस क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड नर्वस सिस्टम, इन सब की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ही हमें चाहिए होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर लोअरिंग प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये एथेरोस्क्लेरोसिस को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, कि जब वेन्स जो है बॉडी की आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है, कैसे, लो कर देता है लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इट ऑल्सो प्रमोट्स ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसको प्रमोट करता है एंड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होता है, इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड
मैंने लिखा हुआ कॉजेज ऑफ डिजीज फॉर प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में क्या होता है, प्लेग्राउंड में तीन चीजें होती हैं, तीन डीज होते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की इन्फ्लामेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। डायरिया यू नो देयर इज लूज स्टूल्स, एंड डिमेंशिया दैट इज ऑल्सो नोन एज मतलब पागल हो जाता है। इसके अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर नियासिन या निकोटिनिक एसिड की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होता है, स्किन रेड कलर की हो जाती है, स्वोलन हो जाती है, नॉजिया और वॉमिटिंग, उल्टी आती है, डायरिया होता है, डिमेंशिया दैट इज पुअर मेमोरी, बंदे कुछ याद नहीं रहता, डिप्रेशन हो जाता है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट वी हैव पेंटोथेनोइक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B3। पेंटोथेनोइक एसिड इज बेसिकली द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज फ्रॉम एवरीवेयर। सो द रिचेस्ट सोर्सेज क्या है इसके, यीस्ट, लिवर, किडनी, एग, पीस दैट इज मटर, वीट, हनी, मिल्क, पोर्क, चिकन, बीफ, स्वीट पोटेटोज। अब इसकी केमिस्ट्री में मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है पेंटाथेनोइक एसिड और इस साइड पे है बी एलानिन। सो इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बी एलानिन एंड पेंटाथेनोइक एसिड विच आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रॉपर्टीज क्या है, येलो विस्कस ऑयली मटीरियल होता है जो कि वाटर सॉल्युबल है एंड इज फाउंड इन टिश्यूज इन एक्टिव फॉर्म एज कोएंजाइम ए विच कंटेन्स पेंटाथेनोइक एसिड। डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट में है 5 to 10 mg। इसके फंक्शंस क्या है, इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, सो इट प्लेज अ रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन कैटालिटिक एंड बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। नेक्स्ट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे रोल प्ले करता है, इसमें आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये क्या करता है, 3,4-dihydroxyphenylalanine को डोपामाइन और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इट इज इन्वॉल्व इन सिट्रिक एसिड साइकिल एज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड इज ऑल्सो कन्वर्ट्स ग्लूटामिक एसिड टू गाबा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये आप अपनी बुक में एग्जाम्पल्स देख सकते हो, अगर आप साथ साथ में बुक रखोगे तो ही आपको समझ आएगा। सो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इनएडुकेट ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ के लिए चाहिए होता है तो डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, इनएडुकेट ग्रोथ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, नॉजिया और वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी होती है, फेलियर टू गेन वेट एंड हेयर जो होते हैं वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं एंड लॉस ऑफ हेयर। नेक्स्ट वाइटामिन वी हैव पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन इज वाइटामिन B6। ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, पाइरिडॉक्सिन बनाया है मैंने, एक है पाइरिडॉक्सिन जिसमें CHO ग्रुप लग जाता है ऊपर, और पाइरिडॉक्सामीन जिसमें CH3NH2 ग्रुप लग जाता है। आप देख सकते हो कि सिर्फ ऊपर वाले ग्रुप में ही डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से इसका पाइरिडॉक्सिन CH2OH, पाइरिडॉक्सिन CHO लग जाता है, पाइरिडॉक्सामाइन CH3NH2। सो ये इसकी थ्री फॉर्म्स हैं, तीन स्ट्रक्चर्स हैं इसके पाइरिडॉक्सिन के। इट इज सोर्सेस क्या है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बनाना, कैबेज, सीड्स, राइस, मिल्क, मीट, एग्स, फिश, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट कैन एंड इज वेरी मच सेंसिटिव टू लाइट। तो इसको डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं अवे फ्रॉम लाइट। डेली रिक्वायरमेंट क्या है एडल्ट्स में, 1.6 to 2 mg। अब इसके फंक्शंस क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स, इट इज इन्वॉल्व इन मसल
फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है. इट इज मेनली कंसर्न विद मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. इट इज रिक्वायर्ड इन पोरफायरिन सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड स्टीरॉइड सिंथेसिस. ऑल्सो इट फंक्शंस एज कोएंजाइम इन नॉन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये कुछ टर्म्स है जो धीरे धीरे हम चैप्टर में जब डिफरेंट साइकिल्स करेंगे तब आपको समझ आएंगे कैसे इन्वॉल्व है. एग्जाम्पल है टायरोसिन को टायरामाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट कर देता है नायासिन में. अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है. इट लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी. कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी से क्या मतलब है कि हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द विटामिन बायोटिन, दैट इज विटामिन एच. इसके सोर्सेस क्या है. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एगियोल, लिवर, किडनी, यीस्ट, मिल्क, हनी, टोमेटोज, फ्रूट्स एक्सेट्रा. अब इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसकी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा. मैंने बीटा बायोटिन का स्ट्रक्चर ब्लैकबोर्ड पे बनाया है. इट इज बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम लिवर. डेली रिक्वायरमेंट क्या है एडल्ट में 20-60 माइक्रोग्राम्स. फंक्शंस क्या है बायोटिन के. इट इज इन्वॉल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है. एग्जाम्पल इसमें दी हुई है. एग्जाम्पल क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो अगर उसमें बायोटिन डाल दें तो मेलोनिन कोएंजाइम ए बना देता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड इट एक्ट्स एज कोएंजाइम इन कन्वर्जन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड टू सक्सिनिक एसिड. डेफिशिएंसी क्या है. डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, नॉजिया, अनीमिया दैट इज खून की कमी, मस्कुलर पेन हो सकती है एंड एनोरेक्सिया. नेक्स्ट विटामिन वी हैव, नेक्स्ट वी हैव लाइपोइक एसिड. लाइपोइक एसिड इज वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड इज वेरी एक्टिव सपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर फॉर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. सोर्सेस क्या है कि ये एनिमल ओरिजिन से मिलती है इन लिवर एंड यीस्ट. इट इज ऑल्सो फाउंड इन टोमेटोज एंड कर्ड. केमिस्ट्री मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है कि ये ऐसी एसिड है जिसमें सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड है. इसके फंक्शंस क्या है, इट एक्ट्स एज कोफैक्टर इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स. मतलब पाइरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. सेकंड, क्योंकि हमें चाहिए होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज पाइरुवेट ऑक्सीडेटिव फैक्टर भी कहते हैं इसको. नेक्स्ट वी हैव विटामिन बी नाइन दैट इज फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड दो कंपाउंड से बना है, टेरोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड से. इसके सोर्सेज क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर सोर्सेज लाइक किडनी, मीट, फिश, मिल्क, फ्रूट्स. प्रॉपर्टीज क्या है कि सॉल्यूबल होता है वाटर में एंड स्टेबल टू हीट एंड न्यूट्रल पीएच. डेली रिक्वायरमेंट क्या है, 400 माइक्रोग्राम. फंक्शंस क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिंगल कार्बन मॉइटी. एग्जाम्पल ये कौन कौन सी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन ग्लूसरिन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टिडीन. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन. नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड एंड दैट इज विटामिन B12 आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड लास्ट फंक्शन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड इन सिंथेसिस ऑफ RBCs इन बोन मैन. अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है. दैट इज जो बोन मैरो
एबनॉर्मल आरबीसीज प्रोड्यूस करती है या फिर इमेच्योर आरबीसीज प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट विटामिन इज साइनोकोबालामिन, दैट इज विटामिन B12. विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामिन इज बेसिकली मेड अप ऑफ पायरोल रिंग. पायरोल रिंग मैंने बनाई है जिसमें R1, R2, R3 और R4 कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी मॉइटी हो सकती है, बट साइनोकोबालामिन में ऐसे 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं which surround the cobalt atom and are linked by nitrogen bond. Cyanocobalamin is basically properties kya hai, deep red color ka hota hai, which is soluble in water, it is stable to heat and is absorbed from ileum, that is intestine mein. Iske sources kya hai, animal origin hai, liver, kidney, meat, fish, eggs, milk and cheese. अब इसके functions क्या हैं? ये folic acid along with folic acid helps in development of RBCs. It stimulates appetite, मतलब भूख को increase करता है. It cures neurological disorders को cure करता है. Helps in conversion of ribonucleotide to DNA. It is involved in synthesis of proteins and in living cells, it is converted to coenzyme B12 and is involved in several reactions. Deficiency. अगर इसकी deficiency हो जाए तो क्या होता है? Pernicious anemia. Pernicious anemia मतलब जो size of RBCs है, जो हमारे red blood cells बनते हैं, उनका size abnormal होता है, वो ज़्यादा बड़े produce होते हैं. Second is pernicious anemia. Next is increase in bilirubin. Bilirubin pigment जो liver secrete करता है उसमें increase हो जाता है and there is destruction of excessive normal RBCs. Next point है hemoglobin content कम हो जाता है, about 8-9% तक कम हो जाता है. Gastric secretions are reduced and there is numbness and tingling sensations in fingers and toes. It is also involved. So ये सारे symptoms हैं इसके pernicious anemia के. And all these can be prevented by taking vitamin B12. So rest vitamins. Rest chapter we'll continue in next lecture. Thank you.